फ्लो में था, एक मजा आ गया सुन के। अच्छा सिंगर बनना है। आपको किचन दिखाई देगी, बालकनी दिखने वाली, सारे कपड़े सुखा दो तो बहुत ही सुंदर विला बना रखे, पेंटा मिलने वाला है, पूरी छत खाली है, हमेशा साफ सुथरी हवा रहेगी। छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और सुबह के बज गए 10, डाइट आ चुकी है, पायल मैडम यहाँ बैठी है। तो क्या खाने की इच्छा बेटा? मेरा तो बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं है। सुबह सुबह चीकू को स्कूल भेजा है ना, तो एक एक पराठा एक्स्ट्रा बनाया था, तो चाय पराठा खा के हम सो गए थे। मेरे को तो शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। कल मैं डबिंग करके आऊँ गाने की, पायल को सुनाया आते, पायल बताएगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, यकीन नहीं था। पर इन्होंने मुझे बोला है कि ये अभी सिर्फ मैंने एक बार गा के देखा है, अभी मैं और प्रैक्टिस करूंगा और जो फाइनल निकल के आएगा ना वो सुनाऊंगा तुझे। तो अभी भी जो गाया है उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई नया सिंगर है, ऐसा लग रहा है पुराना सिंगर गा रहा है कोई। थोड़ी तारीफ कर दें आप भी हमारी। हाँ मैंने भी सुना था रात को, मैंने जब सुना ना तो मुझे लग नहीं रहा इनकी आवाज है, मतलब कि ना एकदम एक फ्लो में था, एक हिचक होती है ना, जो नया सिंगर होता है उसके अंदर एक हिचक होती है बोलने की, तो वो नहीं आ रहा था, एकदम गाना एकदम फ्लो में गा रहे थे। चाहे वो दो लाइनें थी, बट वो दो लाइनें भी ऐसी थी ना कि मजा आ गया सुन के। तो अगला धमाका करेंगे अपनी आवाज, वेट एंड वॉच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके वहीं मिल, मैं तो वहीं जा रही हूँ सलून, वहीं आओगे तो आ जाना, वरना रेस्ट कर लेना। तो गाइस अभी अभी आया हूँ मैं जिम से वर्कआउट करके, आज किया चेस्ट का वर्कआउट और साथ में कोर किया मैंने, यानी कि एब्स किए हैं। तो अभी मैं लेके चलने वाला हूँ आपको, बहुत ही जबरदस्त विला है, आपको दिखाता हूँ। अगर आपको विला खरीदना है तो आप बायो में कॉन्टैक्ट नंबर है विजेंद्र भाई का, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पायल और गोलू भी रेडी हो गई हैं सैलून के लिए। हाँ जी हम रेडी हैं, कोई था नहीं छोड़ने वाला तो हम वेट कर रहे थे नितिन भैया की, तो नितिन भैया भी आ गए, आप भी आ गए। चीकू बन गया सिंगर और दो लाइनें सुनाएगा मम्मी को। बाजी पायल कर गी गायल, नैना की तलवार चली। अच्छा एक और है, कितने अरमान है इधर वो गाना, कितने अरमान अरमान मान है ना गाना। हाँ। कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए। तो यहाँ पर आ गई है मजेदार सी डाइट, मेरी फ्रूट डाइट। तो गाइस अभी मैंने पापा का गाना सुना, इतना अच्छा है ना कि मैंने सोची ना होगी जिंदगी में, मैंने भी नहीं गाया इतना अच्छा गाना। तो बस गाइस रियाज चल रहा है और बहुत ही मतलब अब एम बना लिया कि सिंगर बनना है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस एम बना लो ये चीज़ करनी है, कर तो इंसान ही रहे ना, हम भी करेंगे। तो नहा धोके हो गए बिल्कुल रेडी, सैलून जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा भैया बालों में तेल लगवाएंगे, हेयर स्टाइलिंग बंद करेंगे जब तक गाना नहीं होता, तेल लगवाएंगे और क्लिप लगाएंगे। तो हम पहुंच गए फाइनली सैलून और यहाँ पर चल रहा फोटो शूट, रील बनाई जा रही है गाने पे, और यहाँ पायल है, यहाँ गोलू है, यहाँ विजेंद्र भाई आ गए। तो विजेंद्र भाई अभी हम कहाँ चल रहे हैं? बस भाई नजदीक में चलते हैं, एक विला देख के आते हैं आज, जबरदस्त वाला, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ गए अपनी डाइट और मैं और विजेंद्र भाई जा रहे हैं विला देखने, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फाइनली गाइस जिस विला की बात कर रहे थे वहीं पे हम पहुंच गए हैं विजेंद्र भाई के साथ। एरिया हम बता देते हैं, एरिया नियर अबाउट है 187 गज, स्क्वायर फीट आप डिवाइड कर ही लेंगे, नियर अबाउट ये लगा लीजिए, मतलब 1900 स्क्वायर फीट नियर अबाउट। इसमें जो सुपर एरिया बनता है पूरे इसका, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर बालकनी इसका, वो तकरीबन बनता है 3500 स्क्वायर फीट, 35 स्क्वायर फीट तो वो बनता है, पर जो हम जमीन की हम बात करते हैं कितने एरिया में बना हुआ है तो वो है 187 गज। तो इसी के साथ हम आपको अंदर लेके चलते हैं और बहुत ही जबरदस्त आपको रूम दिखाते हैं। तो अंदर जैसे आप घुसते हो तो आपको किचन दिखाई देगी, जहाँ पर आप चाय खाना वाना सब बना देते हैं, और किचन के सामने आपको मिलेगा एक जबरदस्त सा डाइनिंग, डाइनिंग के साथ यहाँ पे आपको दिख ही रहा है सोफे वोफे लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत, और बिल्कुल साथ में एक रूम है जो बहुत ही ज्यादा क्लासी है। और जब मैं अंदर घुसा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी होटल में आ गया हूँ, साथ में वॉशरूम भी है, इसके साथ कमाल का रूम है और साथ में कबर्ड भी है। कबर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ, कबर्ड भी बहुत बड़े हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ, रुकिए। बहुत ही बड़े बड़े कबर्ड हैं दोनों साइड, और इसके ना जस्ट सामने ही एक और रूम है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, सेम रूम सेम जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है, और सामने बिल्कुल वॉशरूम भी रूम के अंदर है, कबर्ड भी वहीं पे है, और साथ में यहाँ से आपको बालकनी दिखने वाली है जहाँ पर वॉशिंग एरिया। But it was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. तो
गाइस जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हो बिल्कुल बहुत ही प्यारी सीढ़ियां जहां से हम जाते हैं सेकंड फ्लोर पर, तो आ जाइए। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, जैसे आप एंटर करते हो आपको मिलती है सेम किचन, और किचन के साथ में आपको ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा छोटा मिलता है क्योंकि हमने इसको दे दिया है बाहर की साइड, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मज़ेदार सा रूम है और रूम के साथ ही मज़ेदार हमने बालकनी कर दी है, वो आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर बालकनी बन गई है, और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बनने वाला आने वाले 10 साल तक, तो पूरा नीट एंड क्लीन रहेगी आपकी छत, फ्रेश एयर, धूप भी, अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं, धूप की तरफ धूप और गर्मी की तरफ गर्मी, दोनों चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली है। और साथ में आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिलता है, अगर आपको कपड़े वपड़े भी धोने हो ना तो आप आराम से यहाँ टूटी चलाओ और यहाँ पे तार वार लगा के सारे कपड़े सुखा दो। तो बिल्कुल जैसे ही आप वहाँ से आते हो रूम के सामने एक रूम है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपका कॉमन बाथरूम है, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो और यहाँ से एंटर करके आप उस रूम में भी जा सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर बेड वेड है और ये आपको एज इट इज मिलने वाले हैं, और यहाँ से फिर हम खोल देते हैं, ये देखो बालकनी आ जाती है यहाँ से पूरी, तो बहुत ही सुंदर विला बना रखे है जिसने बनाए, तो ये आपको दिख रही है पूरी बालकनी, और यही सामने का व्यू है, सूरज वूरज जो भी है सामने से आने वाले हैं। तो आप लेके चलता हूँ आपको ऊपर, जो पेंटा बना रखा है ना जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी कर सकते हो, वो मैं आपको चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सामने बहुत ही प्यारी सीढ़ियां हैं और ऊपर की तरफ घूम जाती हैं भी, और स्टेप बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे स्टेप है, ऐसे आराम से आप 10 मंजिल भी चढ़ सकते हो, पर ये तो सेकंड पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और बहुत ही कमाल का आपको पेंटा मिलने वाला है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ सको, खा सको, पार्टी कर सको, और उसके जस्ट पीछे पूरी छत खाली है, आप देख सकते हो, ये देखो पूरी छत नीट एंड क्लीन, साथ में एक वॉशरूम है और एक छोटा सा रूम बना रखा है, पेंट्री बोल सकते हैं हम इसको, जहाँ पर आप बैठ के यहाँ पे अगर सर्दी ज्यादा है तो यहाँ बैठ के आप पेंट्री में चाय वाय कुछ भी पी सकते हो, ये भी बहुत सुंदर सी पेंट्री बना रखी है। और इसके साथ यहाँ एक वॉशरूम है कि आपको नीचे ना जाना पड़े, तो ये वॉशरूम है, और यहाँ आ जाइए तो यहाँ पे एक प्यारा सा बार बना रखा है, वो आपको देखना, बार बनाना चाहते हो या इसमें कोल्ड ड्रिंक रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी, तो पानी वानी की सुविधा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और पीछे आप देख सकते हो मजेदार बना रखा है। तो गाइस इसका जो रेट वेट है ना, विजेंद्र भाई बताएंगे पानी की क्या सुविधा है, टैंकर कैसे है कैसे नहीं है, वो सारी चीजें बताएंगे। ये देखिए क्वालिटी काफी अच्छी इसमें यूज की गई है, हर एक चीज की पानी का पूरा देखा गया है कि इसमें पानी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। 5000 लीटर की पूरे इसमें प्रिविलेज दी गई है, 1000-1000 की दो टैंकी जो है वो ऊपर रखी हुई है हमने, और इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है 3000 लीटर का पानी का टैंक है, ऑटोमेटिक वो मोटर से कनेक्टेड है कि आपको ना उसको ऑन करना है ना ऑफ करना है, जैसे ही पानी आएगा पानी अपने आप से टैंकियों में जाएगा। एंड अगर आप देखोगे अब भी हम सेकंड फ्लोर पे हैं और आसपास में पूरी ग्रीनरी भी रहेगी, लोकेशन इज प्रीटी गुड, एयरपोर्ट कनेक्टेड हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम हियर, उसके अलावा अगर आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है या आपको पटियाला की तरफ जाना है तो ये सभी एरिया से बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, हाईवे बिल्कुल साथ में है, इट इज 50 मीटर पे आपका चंडीगढ़ शिमला हाईवे है, ये हाईवे आप देखो उधर, ये हाईवे है आप देख सकते हैं, और साथ में अगर आप इसके छत पे हैं या फिर आप ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया में हैं, फर्स्ट फ्लोर के एरिया में, तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये एक स्कूल है, एम्प्टी स्पेस है जो कि ऐसे ही रहने वाला है, और इसका मेजर बेनिफिट आपको वही है कि सर्दी हो गर्मी हो आपको कभी भी लाइट की हवा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा साफ सुथरी हवा रहेगी। पैसे बताओ और ये बताओ कि लोन भी हर बैंक से हो सकता है? बिल्कुल, देखिए किसी बैंक से लोन हो सकता है, और इसका जो भी प्राइस रखा गया है वो है 1.65 1,65,00,000 रुपए। जल्दी से आ जाओ लेने, तो इनका नंबर बायो में गाइस, जिसने अच्छे से समझ लिया हो, अगर आपको विजिट भी करना हो तो विजेंद्र भाई से कांटेक्ट कर ले, बहुत ही कमाल का विला है, और यहाँ इसी लाइन में बहुत सारे विला हैं, जल्दी से आ जाओ कभी बिक ना जाए, बिल्कुल भाई, आप लोग आए और जिस टाइम भी आप ये लेंगे तो हम आपसे जरूर मिलने आएंगे, और हम चाहते हैं आपसे बैठ के इसी टेबल पे हम चाय पिए, एब्सोल्युटली है ना दादा, बिल्कुल जी, चलिए जी नमस्ते, थैंक यू। तो गाइस हम खड़े हैं बाहर और विला ही विला है, आप देख सकते हो चारों साइड, और आपका विला अगर आप देखने हो तो फर्स्ट वाला आपका होगा, और मैं ये कह रहा था विजेंद्र भाई से कि इतने पैसों में ना आपको सोसाइटी में एक फ्लोर भी नहीं मिलता। बिल्कुल भाई, इस प्राइस में, और ये आपका इंडिविजुअल है, इस प्राइस में नॉर्मली आपको 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का 1800-2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट आपका पूरा एरिया कवर हो रहा है, और अगेन दो पार्किंग, दो प्रॉपर आपकी एसयूवी गाड़ी इसमें आती हैं। सेकंडली आप सब जानते हैं कि लैंड तो लैंड है, जमीन अपनी है, छत अपनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो गाइस ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कांटेक्ट करना हो विला की रिकॉर्डिंग तो आप करना, तो आप ये मत बोलना पायल जी से बात करा दो, चीकू से, नितिन से, नहीं हो पाएगी क्योंकि ये भी कॉल नहीं उठाते, इनकी टीम कॉल उठाती है। Absolutely. तो आप कॉल करना विला के अकॉर्डिंग, और आपको बहुत ही जल्दी फिर आपको एक विजिट दे देंगे,
हार्डली जब आप चाहें, जैसे कि अभी कॉल का रिवर्ट तो उसी टाइम आ जाएगा। एब्सोल्युटली, कॉल का रिवर्ट आपको उसी टाइम पे आ जाएगा, टीम से आपको कॉल बैक भी आ जाएगी। अगर नंबर बिजी भी हो तब भी आपको उस नंबर से कॉल बैक आ जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद में जैसा आपको टाइम कन्वीनियंट होगा आप प्लेस पे आएंगे, आपको प्रॉपर हम यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी दी गई है। वीडियो के अंदर फिर भी आपको बहुत कम चीजें हमने बताई है, बट जब आप एक्चुअल में आएंगे आप देखेंगे कि आपको सिक्योरिटी से ज्यादा ही मिलेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें, सेफ रहें। जो भी है विला की रिकॉर्डिंग डिटेल्स बायो में है, जाकर चेक कर लेना।